बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड एरिया अंडर द कर्व गिवन बाय लाइन। फर्स्ट पार्ट इसका हम करते हैं पहले। ओके सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है फाइंड एरिया अंडर द कर्व एंड द गिवन लाइन। यहां पर हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। सबसे पहले हमें देखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा कर्व है। ये लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 भी एक लाइन है एंड x एक्सिस बच्चों हम सब जानते ही हैं। ओके सो y इज इक्वल टू x, अगर इस कर्व को बनाया जाए सॉरी y is equal to x square। So, बच्चों हम सब जानते हैं कि ये एक पैराबोलिक कर्व है, एक पैराबोला है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टाइप का पैराबोला है। So, अगर देखा जाए हमारे पास चार पैराबोला होते हैं, उन्हीं में से एक पैराबोला ये है एंड बच्चों ये एक अपवर्ड पैराबोला है। क्या है? अपवर्ड पैराबोला है इस टाइप का अगर आप इसका होगा। Now, second is x is equal to 1, x is equal to 1, एक line होगी parallel to y axis. तो ये आपकी line होगी parallel to y axis, x is equal to 1. x is equal to 1 एक line है parallel to y axis. Then x is equal to 2, x is equal to 2 भी बच्चों एक line होगी parallel to y-axis, this line is x is equal to 2, यहाँ पर x-axis पे 1 है, यहाँ पर 2 है, so x is equal to 2 is also a line parallel to y-axis, now बच्चों हमें देखना है x-axis कहाँ पर है, this is x-axis, this is y-axis, अब अपने question को दोबारा से देखते हैं, हमें एक तो curve दिया है y is equal to x square, x is equal to 1, x is equal to 2 and x-axis, y is equal to x square, तो बच्चों ये कर्व हो गया पैराबोला कर्व जो है। सेकंड x is equal to 1, ये जो लाइन है x is equal to 1 लाइन हो गई, मतलब ये वाली लाइन। x is equal to 2, नेक्स्ट लाइन ये जो लाइन x is equal to 2 एंड x axis। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कह सकते हैं हम, this line is x is equal to 1, this line is x is equal to 2, पैराबोला y is equal to x square and this is x axis। इनसे bounded area हमें find करना है। ये area जो मैं shade कर रहा हूँ, ये area हमें find करना है। अब ये area हम कैसे find करेंगे? तो सबसे पहले देखना है कि area किस curve के अंदर है। y is equal to x square के अंदर का area है। Between the these two lines जो horizontal line आपकी बन रही है कहाँ पर? x axis पे जो दो vertical line drop बनाई हमने, ठीक है, इनके बीच का एरिया। और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 है, इन दोनों के बीच का एरिया ये। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a b c d। आपको फाइंड करना है एरिया a b c d a। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा required area is equal to area a b c d a। ये एरिया आपको फाइंड करना है। ये एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले कर्व की इक्वेशन के देखो, ठीक है, हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। यूजुअली हम यही करते हैं कि एरिया जिस कर्व के नीचे है उसको इंटीग्रेट करते हैं। और उसको पहले हम कैसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, y is equal to fx की फॉर्म में, क्योंकि यहां पर हम लिमिट x एक्सिस की लगाने वाले हैं। सो बच्चों इंटीग्रेट करेंगे हम इसको x स्क्वायर को, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी होगी 1 से 2 तक, राइट, 1 से 2 तक। अब ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आई थिंक सब बच्चे इसको जानते हैं। दैट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका होगा x क्यूब / 3, लिमिट्स आपकी कहां से कहां तक है, 1 से 2, दैट इज इक्वल टू 1 / 3 x cube का whole square
अप्लाई कर दो लिमिट 1/3 एक्स क्यूब के जगह पे 2 डालेंगे तो हो गया हमारा 8 माइनस 1/2 1 होता है तो दिस इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों लिखना मत भूलना, स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में लिखा है y is equal to x4, x is equal to 1, x is equal to 5 एंड x। फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, y is equal to x4। जैसे पिछला काम हमने बनाया था y is equal to x2, इस बार क्या है y is equal to x4 है। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? देखो, एक तो कोई भी कर्व आप टेबल बना के बना सकते हैं। आप x को x की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू क्या है x4, अपने आप ही आ जाएगी। x को आप 0 डालेंगे x4 क्या आएगा 0 आएगा। x को आप 1 डालेंगे तो x4 क्या आएगा 1^4। 2 डालेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, -1 डालेंगे तो ये -1^4 1 हो गया। -2 दैट इज 16 हो जाएगा, राइट। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करके आप ग्राफ बना सकते हो। कैसे बनेगा ये? बिल्कुल पहले वाले ग्राफ जैसा ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, 0 पे 0, 0 0 एक पॉइंट हमारा, 1 पे 1 x1 है, थोड़ा छोटा लेते हैं, x1 पे y कितना है 1 है, ये पॉइंट होगा। और 2 पे बच्चों ये सडनली क्या हो गया, 2 पे हो गया 16, यानी यहां कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, ऐसे ही -1 पे क्या होगा, -1 पे x अगर -1 है तो y भी क्या है, y 1 है, x अगर -2 है तो y क्या है, फिर से 16। तो मतलब इस टाइप का एक ग्राफ आएगा। ये ग्राफ y एक्सिस के काफी क्लोज होगा, जैसे पिछला ग्राफ थोड़ा ओपन था, राइट। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका आएगा, इस टाइप का ग्राफ है। लाइन दी हुई है हमें x = 1 एंड x = 5। x = 1 लाइन ये हो गई, और ये ग्राफ थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर से ब्रॉड कर दो ऐसे इधर जाएगा, तो सपोज हमारा ये पॉइंट है 5। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी, x = 5 लाइन होगी, x = 5 लाइन होगी ये। ठीक है, x = 5 लाइन है, एंड दूसरी लाइन एक लाइन हमें दी हुई है x = 1, एक ये लाइन दी हुई है x = 1। और इस कर्व से कर्व y = x4, x = 1, x = 5 एंड x, इनसे बाउंड्री एरिया फाइंड करना है। तो इन सबसे बाउंड्री एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा। ये एरिया आपको फाइंड करना है, जो एरिया मैंने सेट किया है वो एरिया आपको फाइंड करना है। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, रिक्वायर्ड y हमें दिया है x4 के इक्वल, x = 1 है, x = this है, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया = इंटीग्रेट करेंगे आप x4 को, x4 को इंटीग्रेट करेंगे, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 से 5 तक। ठीक है, क्योंकि इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो किस पॉइंट से है, 1 से लेकर 5 तक इस कर्व के नीचे का एरिया हमें फाइंड करना है। सो इसे हम 1 टू 5 इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज x4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x5 / 5। लिमिट रहेगी हमारी क्या, लिमिट हमारी रहेगी 1 से लेकर 5 तक। अब इसमें डाल देंगे, थोड़ा आंसर बड़ा होगा, ठीक है, आप पावर में छोड़ दीजिए, 1/5, व्हाट इज दिस, 5^5 -1^5, क्या आ जाएगा यहां से बताओ जरा, 1/5, ठीक है, 5^5 होना चाहिए यहां पर, गलत लिख दिया मैंने। सो 5^5 क्या होगा, 625 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 625 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आएगा, करो फटाफट मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों जरा, क्या आता है, ये आएगा आपका 3125, माइनस में दिस इज 1, तो ये हो जाएगा 3124 / 5, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, यूनिट यूनिट स्क्वायर।
ये आपका एरिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई, y इज इक्वल टू sin x। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको sin x का ग्राफ पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू sin ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए sin x का ग्राफ कैसा होता है। आप सभी लोग जानते हैं sin x का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का ग्राफ sin x का ग्राफ होता है। दिस पॉइंट इज 0, मैंने नेगेटिव एक्सिस का ग्राफ नहीं बनाया नेगेटिव x एक्सिस का, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो मैंने सिर्फ ओरिजिन के राइट हैंड साइड का ही ग्राफ बनाया। दिस पॉइंट इज 0, ये पॉइंट क्या होता है पाई, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई। तो बच्चों आपको एरिया फाइंड करना है कहां से कहां तक, आपको एरिया फाइंड करना है 0 से 2 पाई तक, दिया है ना x is equal to 0 and x is equal to 2 पाई, ये एरिया हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, पहले तो सेट कर देता हूं एरिया को, जो एरिया फाइंड करना है एक तो ये एरिया फाइंड करना है, एक ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब दो तीन तरह से आप ये एरिया फाइंड कर सकते हो। एक तो आपको एक बार मैं थोड़ा इसमें चेंज हो गया, मैंने दो एरिया सेट किए, एक येलो कलर से सेट किया है एंड एक पर्पल कलर से सेट किया है। ये दोनों एरिया हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें दिया है क्वेश्चन में कि 0 टू 2 पाई के बीच में, 0 टू 2 पाई के बीच में जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो येलो और पर्पल कलर वाले दोनों एरिया ही हमें फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे बताओ जरा, कैसे एरिया फाइंड करेंगे हम ये दोनों। देखो तो ये एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम येलो वाले एरिया को फाइंड कर दें एंड येलो वाले एरिया को फाइंड करके हम उसको ट्वाइस कर दें, ये आ सकता है। ठीक है, या हम एक काम और भी कर सकते हैं। चलो पहले तो मैं आपको येलो वाले एरिया से ही बताता हूं। तो येलो वाला एरिया जो है वो साइन डेक्स के ग्राफ के अंडर है। ये ग्राफ कौन सा है, y is equal to sin x, कर्व जो हमारा है वो है y is equal to sin x। तो इस कर्व के अंडर का एरिया है, लेकिन कहां से कहां तक है, 0 से पाई के पाई तक। तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 से पाई की। और जो पर्पल कलर वाला एरिया है, इसको फाइंड करने के लिए हम पहले वाले एरिया को ट्वाइस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, बच्चों इंटीग्रेट करेंगे आप साइन एक्स को, क्योंकि साइन एक्स को इंटीग्रेट करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। साइन एक्स डीएक्स, और साइन एक्स को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से पाई तक, जिससे हमें ये येलो कलर जिसको मैं अभी वाइट से कलर कर रहा हूं ये वाला एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, 0 से 0 टू पाई हमने इस पे लिमिट लगा दी। एंड जो पर्पल वाला एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया, इसको फाइंड करने के लिए हम सेम एरिया को ही ट्वाइस कर देंगे। करेक्ट, ये हो गया ओके टू। अब साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स इंटीग्रेशन होता है कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस को तो हम रख लेंगे बाहर, और लिमिट रहेगी 0 से पाई। दिस इज इक्वल टू माइनस टू ऑफ, अब एक्स के जगह क्या डालेंगे, अपर लिमिट, सो ये हो गया कॉस ऑफ पाई, माइनस का साइन फिर कॉस के जगह, x के जगह क्या डालेगा लोअर लिमिट, तो ये हो गया cos 0, दैट इज इक्वल टू माइनस cos पाई, cos पाई की वैल्यू होती है माइनस 1, माइनस में cos 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 इज आल्सो 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया माइनस 2, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर भी माइनस 2 हो गया, सो माइनस माइनस हो गया, बाहर आपका माइनस 2 था, तो ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो टोटल एरिया होगा आपका कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई तक sin x के ग्राफ के अंदर, तो दैट विल बी 4 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³,
x axis and the ordinate x is equal to minus 2 and x is equal to 0. इनसे बाउंड्री एरिया आपको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे ये एरिया? y is equal to x cube. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि y is equal to x cube कर्व कैसा होता है. y is equal to x cube जो कर्व है वो किस टाइप का कर्व है, राइट? एंड दूसरा दिया हमें x एक्सिस, फिर हमें दिया है x is equal to minus 2 and x is equal to 1. ये चार पॉइंट आपको देखने हैं. y is equal to x cube, x एक्सिस, लाइन x is equal to minus 2 and x is equal to 1. y is equal to, सबसे पहले देखते हैं y is equal to x cube को. y is equal to x cube को. y is equal to x cube. तो इस चैप्टर में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनेगा, ये कर्व किस टाइप का कर्व है, ठीक है? और जब कभी भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप टेबल बना सकते हैं x, y, ठीक है? x और y, y क्या है? x cube के बराबर है. अब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हमेशा लेने चाहिए. कुछ नेगेटिव पॉइंट लेने चाहिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए. ओरिजिन जरूर इंक्लूड करना चाहिए, राइट? सबसे पहले हम x को 0 लेते हैं. x को 0 लेंगे तो y, x की जगह 0 डालेंगे y भी 0 आएगा. x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो y भी माइनस 1 आएगा. x अगर 2 पुट माइनस 2 पुट करते हैं तो y हो जाएगा हमारा माइनस 8. सिमिलरली अगर हम x को लेते हैं 1 तो y क्या आएगा? y is 1. x को अगर 2 लेते हैं तो y 8 आ जाएगा. अब इसको तो आपको प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा. तो ये हमारे हो गए x और y एक्सिस. दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, करेक्ट? सबसे पहला कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 0 0. ये हो गया 0 0 0 0. देन नेक्स्ट पॉइंट है -1, 1. x -1 है. x बच्चों -1 यहां पर होगा और y -1 यहां होगा. x -1 y -1 जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है? उसके बाद आता है x माइनस 2 और y 8. x को हमने माइनस 2 ले लिया, ये आपका माइनस 2 है और y होगा आपका 8, माइनस 8. तो यहां कहीं पर मैं मान लेता हूं कि माइनस 8 है. तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका? यहां पर ये पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है? इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से ज्वाइन होगा, राइट? अब राइट हैंड साइड में देखते हैं 1, 1 पॉइंट कहां पर होगा? दिस इज 1, this is also 1, so 1, 1 is ये point होगा. second is 2, 8, x को 2 हमने लिया तो y suddenly क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो ये graph कुछ इस type का आपका आएगा. so this is graph for y is equal to x cube. now x axis, where is x axis? this one is x axis, यहाँ पे x axis हो गया. ordinate x is equal to minus 2. ordinate x is equal to minus 2 is this line, a line parallel to y axis. this is x is equal to minus 2 line. x is equal to 1, x is equal to 1 is this line, ठीक है? तो बच्चों एक तो आपको ये एरिया फाइंड करना है क्योंकि minus 2 curve, लाइन x is equal to 1, या आपके लाइन x is equal to 1 है एंड x एक्सिस, इनसे बाउंड्री एरिया आपको फाइंड करना था. तो एक तो मैंने जो नीचे की तरफ सेट किया है येलो कलर का एरिया, ये वाला आपको फाइंड करना है. एंड एक जो मैं अभी सेट कर रहा हूं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है. जो एक मैंने पिंक एरिया सेट किया वो आपको फाइंड करना है और एक जो येलो सेट किया है वो एरिया फाइंड करना है. दो एरिया आपको फाइंड करना है. क्या करेंगे? सबसे पहले येलो वाले पे जो x एक्सिस से नीचे का एरिया है तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे. इस एरिया को मैं नाम दे देता हूं a b, बीच में भी आप लोग कोई नाम दे सकते हो, c o. तो एरिया a o c o प्लस हम करेंगे दिस इज d पॉइंट एंड दिस इज e पॉइंट, प्लस हम करेंगे o d e o एरिया, राइट? तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो दो एरियाज का सम होगा जिसमें एक a1 होगा एंड एक a2 होगा. ये वाला एरिया क्या है? a1 है, मैंने इसको a1 कहा है. और ये वाला एरिया क्या है? a2 है. तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो a1 + a2 की वैल्यू पूछी है,
पहले ए वन फाइंड करते हैं, ए वन इज इक्वल टू, अच्छा ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है, एक्स एक्सिस से नीचे है और लिमिट हम अप्लाई करने वाले हैं एक्स एक्सिस की। लिमिट हम कहां से कहां तक अप्लाई करेंगे, माइनस वन से, माइनस टू से जीरो, सॉरी माइनस टू से जीरो, राइट। और ये मैंने आपको बताया है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है तो आप इंटीग्रेट कीजिए एक्स क्यूब के मोड को, मोड ऑफ एक्स क्यूब कहां से कहां तक, वन से माइनस टू से जीरो तक, या फिर आप इंटीग्रेट किसको करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब को। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस नीचे है तो आप उस जो भी इक्वेशन आपको दी हुई थी उसको उसमें इस एक्स क्यूब को नेगेटिव कर दीजिए, राइट। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है तो लिमिट हमारी वही रहेगी माइनस टू से जीरो, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, बाहर एक माइनस साइन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, माइनस टू से जीरो, राइट। इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो इंटीग्रेशन होगा वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा। सो माइनस वन बाई फोर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जीरो टू द पावर फोर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस टू टू द पावर फोर, सो दिस इज माइनस ऑफ वन बाई फोर, माइनस ऑफ वन बाई फोर, एंड दिस इज व्हाट, जीरो माइनस माइनस टू की पावर फोर कितना हो गया, सिक्सटीन, प्लस का सिक्सटीन हो गया, एक बाहर माइनस तो माइनस ही रहेगा, अब अंदर और बाहर वाले दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन बाई फोर, दैट इज फोर स्क्वेयर यूनिट्स, फोर स्क्वेयर यूनिट्स, ये आपका एरिया आएगा, ठीक है। बस ये तो ए वन फाइंड किया है, अब हमें ए टू बी फाइंड करना है, तो ए टू फाइंड करने के लिए क्या करें, मैं थोड़ा इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ए टू फाइंड करने के लिए देखो, अब ए टू बी इसी टाइप का एरिया है, लेकिन ए टू एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ का एरिया है, क्या करेंगे देखो जरा, ए टू, ए टू इज इक्वल टू सेम कर्व तो वही है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसी कर्व के नीचे का एरिया है, लेकिन कहां से कहां तक है, जीरो टू वन, तो अब की बार हम एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे dx, कहां से कहां तक, जीरो से वन तक, ये एरिया हमें फाइंड करना है। सो व्हाट इज इट, दिस इज x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू वन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी क्या रहेगी, जीरो टू वन, दिस इज वन बाई फोर, 1 by 4 into upper limit put करेंगे 1 to the power 4 1 हो जाएगा, minus में 0 put करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 by 4। So जो पहले A1 area आया था वो आपका 4 square unit था, A2 area आपका 1 by 4 square unit है, total area A हमें find करना है, that is required area, A is equal to required area, so this is A1 plus A2, so what is this, A1 बताओ क्या है, A1 है 4 square unit, प्लस ए टू कितना है 1 बाई 4, एलसीएम लेके ऐड करेंगे 4 4 16 17 बाई 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया होगा, ठीक है। तो फाइनल आपका जो एरिया होगा दैट इज 17 बाई 4 स्क्वायर यूनिट, करेक्ट। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x इनटू मॉड x, x into mod x, x axis, ordinate x is equal to minus 1 and x is equal to 1. सबसे पहले तो हम देखते हैं y is equal to mod x को, y is equal to mod x, y is equal to mod of x, sorry mod x नहीं है, x into mod x है, x into mod x। अब जो इंटीग्रेशन की हमारी लिमिट है वो माइनस वन से वन तक है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, माइनस वन से वन तक रहेंगी। तो मतलब ग्राफ को हमें नेगेटिव साइड में ओरिजिन के लेफ्ट साइड का भी ग्राफ देखना है एंड ओरिजिन के राइट हैंड साइड का भी ग्राफ देखना है। तो जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है उसमें क्या है देखो जरा, अगर हम मॉड एक्स की डेफिनेशन पे एक बार दोबारा जाएं, मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स होता है माइनस ऑफ एक्स, कब, if x is less than 0 and x if x is greater than equal to 0, यानी कि origin से left side के लिए mod x क्या रहेगा, minus x रहेगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा minus x mod x की जगह पे, कब, when x is less than 0 and x greater than 0 के लिए क्या होगा, x greater than 0 के लिए x तो as it is रहेगा, लेकिन जो mod x है वो क्या हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा,
ये हमारा फंक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि y की क्या वैल्यू हमारे पास, y is equal to minus of x square, यहां से आया minus x square, कब, when x 0 से छोटा है, and x अगर 0 से बड़ा है तो ये हो गया x square for x greater than 0, right? तो ये आपके फंक्शन की फाइनल डेफिनेशन है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों जो माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है, जो हमने पीछे टेबल बना के बनाया है, उस तरह से आप बना सकते हो, या फिर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये एक पैराबोला होगा, लेकिन नीचे का पैराबोला होगा, नीचे की साइड, और ये ग्राफ सिर्फ x लेस देन 0 के लिए है, तो आप ओरिजिन के राइट हैंड साइड का ग्राफ नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है, सिर्फ x लेस देन, यहां से फर्स्ट डेफिनेशन से जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ x लेस देन 0 के लिए बनेगा, और जो राइट हैंड साइड की डेफिनेशन है, राइट हैंड साइड के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, x स्क्वायर, यानी कि x अगर 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। ये ग्राफ कैसा होगा, ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा, कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, तो हाफ पैराबोला इसमें अपवर्ड होगा, हाफ पैराबोला इसमें डाउनवर्ड होगा, इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप एक काम कीजिए, टेबल बनाइए, ठीक है, x y, x को आप 0 डालिए तो 0 आएगा, माइनस 1 डालेंगे तो आपको डेफिनेशन फॉलो करनी है फर्स्ट वाली, ठीक है, माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, माइनस 2 डालेंगे तो माइनस 4 ही आएगा, आप डाल के देख सकते हैं, 1 डालेंगे, अब जब आप 0 से ग्रेटर पॉइंट डालेंगे तो आप डेफिनेशन फॉलो करेंगे सेकंड वाली, ठीक है, 2 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, ग्राफ आप बनाओगे तो राइट हैंड साइड में मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, सेम वही ग्राफ आपका बन गया, ठीक है, तो टेबल आप बना के भी ग्राफ बना सकते हैं अगर आपको वैसे समझ नहीं आया तो, ठीक है, चलते हैं आगे। अब एरिया हमें फाइंड करना है, कहां से कहां तक एरिया हमें फाइंड करना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ हमें, तो ये जो लाइन है आपकी, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन, ये जो लाइन होगी आपकी होगी एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू वन दो लाइन होगी, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ठीक है, एक लाइन माइनस वन से एक्स माइनस वन से पास करेगी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक लाइन वन से पास करेगी, ओके, एंड हमें बच्चों ये एरिया फाइंड करना है, ये जो मैंने शेड किया है ये एरिया हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों एरिया बिल्कुल सिमिलर है और ये हम बिल्कुल बिगनिंग से करते आए हैं, क्वेश्चन कहां से लगे अभी, क्वेश्चन कहां से लग गया हमारा, क्वेश्चन ही गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन देख लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ठीक है, लगता है कुछ डिलीट किया उसके साथ ही डिलीट हो गया, हाँ टेबल डिलीट की थी तो टेबल के साथ ही क्वेश्चन डिलीट हो गया, ओके, तो टेबल को तो आप डिलीट कर ही दीजिए, ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाई दे दिया है, x इज इक्वल टू माइनस वन बच्चों ये लाइन है एंड x इज इक्वल टू वन ये वाली लाइन है, दो लाइनें दी हुई है ना, मैं x is equal to minus 1 and x is equal to 1 और साथ में दिया x axis, तो यहां पर x is equal to minus 1 x axis curve y is equal to x into mod x, इनसे bounded area ये area बन रहा है, ये area इनसे bounded बन रहा है, ठीक है, and जो second दिया हुआ हमें x is equal to 1 x is equal to 1 x is equal to 1 आपकी ये वाली लाइन है, ये लाइन जो आपकी है वो x is equal to 1 है, कर्व वही है आपका y is equal to x into mod x x axis, ठीक है, तो दो एरिया यहां पर हमने डिसाइड किए, कौन कौन से, एक तो ये वाला एरिया जो x axis से डाउन साइड में डाउनवर्ड साइड में, और एक x axis से ऊपर की तरफ का एरिया, ठीक है, एक x axis से ऊपर की तरफ का एरिया यानी कि ब्लू कलर वाला एरिया, ये दो एरिया आपको फाइंड करने हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड, हाँ तो मैं बता रहा था कि दोनों एरिया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे क्योंकि ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है,
दोनों एरिया सेम हो गए, तो जरूर ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही एरिया फाइंड करें, एक एरिया फाइंड करके आप उसको ट्वाइस भी कर सकते हैं। तो जैसे राइट हैंड साइड को मैं नाम दे देता हूं ओ ए बी, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो क्वेश्चन में पूछा है दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ इस एरिया का ट्वाइस, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, कौन से कर्व के नीचे है, y इज इक्वल टू x इनटू मॉड x के नीचे है, और इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया था, ये डेफिनेशन हमारी बन गई थी y इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 के लिए राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको y की ये वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है, करेक्ट। So, this is equal to, इसके लिए आप इंटीग्रेट करेंगे, x square को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट आप करेंगे 0 से 1 तक, इंटीग्रेट आप करेंगे 0 से 1 तक। अब बहुत मुश्किल तो इंटीग्रेशन है नहीं, ये आई होप कि आप ये कर ही लेंगे, या अगर आप कहते हैं करना है तो मैं कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3, 3 को तो मैं 2 के नीचे लिख देता हूँ। आप जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो उसको लिमिट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप उसको लिमिट से बाहर भी रख सकते हैं। सो दिस इज 0 टू 1, 2 बाय 3, x क्यूब अपर लिमिट डालेंगे 1 का क्यूब 1, लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो ये आपका 2 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए होगा। इसके बाद बच्चों दो एग्जांपल हो रहे हैं, साथ साथ मैं आपको ये एग्जांपल भी समझा ही देता हूं, थोड़ा टाइम दे देता हूं फिर आप कर लेना, बुक में क्वेश्चन तो है ही, सॉल्यूशन तो इसका है ही, मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दे देता हूं, ठीक है। देखो क्या होगा, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, हमारा रिकॉर्डिंग पैनल इसकी ऊपर आ गया, देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस। अब ये लाइन कैसे बनाएंगे, तो कभी भी आपको ये नहीं पता लगे कि कर्व कैसा है, तो सीधा सा डायरेक्ट फार्मूला है उसका, एक डायरेक्ट फार्मूला है कि x और y के कोऑर्डिनेट्स को लो, और ठीक है जैसे x को 0 लिया, x को 0 अगर आप यहाँ डालेंगे तो y 2 आएगा, ठीक है, x को अगर आप 1 डालेंगे, x को आप 1 डालेंगे तो 3 टू 1 प्लस 5 हो जाएगा, इसी टाइप से अगर x आप माइनस वन डालेंगे तो ये हो गया माइनस 3 प्लस का 2, तो ये आपका माइनस 1 आ गया, राइट। इस टाइप से पॉइंट्स लेके आप एक कर्व को बना सकते हो। तो यहां पर जो हमें दिया हुआ है y is equal to 3x plus 2, ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपकी ये वाली लाइन बनेगी y is equal to 3x plus 2, ये आपकी लाइन है, जो ये BD लाइन है, ये BD लाइन है, ये आपकी y is equal to 3x plus 2 लाइन है, ठीक है। एंड x एक्सिस तो आप सबको पता है x एक्सिस कहां पर है, x is equal to minus 1, x is equal to 1, तो बच्चों x is equal to 1 ये हो गया, x is equal to minus 1 ये वाला एरिया, x is equal to 1 ये वाला एरिया, एंड ये वाली लाइन। अब इस लाइन ने इन सारी कंडीशंस के अंदर जो एरिया बाउंड किया वो दो एरिया बाउंड किए हैं, एक तो ये वाला एरिया बाउंड किया है, और दूसरा कौन सा है, सेकेंड जो एरिया वो ये वाला एरिया है रेड वाला, एक को मैंने सर्कल किया है येलो से और एक को सर्कल किया है रेड से। दोनों एरिया बच्चों आपको अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे, येलो वाला एरिया जिसको मैं A1 कह रहा हूँ, और जो बाद वाला एरिया जिसको मैं A2 कह रहा हूँ। A1 आप कैसे फाइंड करेंगे, A1 फाइंड करने के लिए, A1 एरिया को फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे लाइन की इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो लाइन की इक्वेशन में y इज इक्वल टू क्या है 2x plus 3, तो आप जिस टर्म को इंटीग्रेट करोगे वो है आपकी 3x plus 2। एंड इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे आप, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे c पॉइंट से a पॉइंट तक, तो c पॉइंट हमारा -1 है और a पॉइंट हमारा -2/3 है, c पॉइंट हमारा कितना है -1 है और ये हमारा -2/3 है। एक बात और, ये एरिया x एक्सिस से डाउनवर्ड साइड में है, x एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के नेगेटिव को इंटीग्रेट करेंगे। बहुत बार ये बात रिपीट हुई है, आज भी एक बार मैंने पहले रिपीट किया था, अगर आपका एरिया x एक्सिस से नीचे की तरफ है और आप x एक्सिस की लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर कर्व की इक्वेशन के साथ यहां पर आप
माइनस लगा दीजिए, ठीक है, या फिर आपको लेना पड़ेगा मोड, जरूरत नहीं है मोड की, माइनस लगा देना इजी है, ठीक है। दिस dx, राइट, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इससे आपके पास आएगा एरिया a1। एक बात और, ये 2 बाई 3 माइनस का 2 बाई 3, ये पॉइंट कैसे आया? तो बच्चों ये पॉइंट कैसे आया होगा, कैसे आया होगा ये पॉइंट, बताओ जरा कौन बताएगा? अब लाइव तो हम है नहीं, वरना तो मैं आपसे पूछ लेता कि कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। तो चलो फिर बताओ कैसे आया ये पॉइंट, अपने माइंड में सोच लो, मैं आपको बता देता हूं। इस लाइन की इक्वेशन में आप एक्स एक्सिस पे, हमें पता है एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो इस लाइन की इक्वेशन में आप यहाँ वाई की जगह जीरो डाल दीजिए, जैसे ही आप वाई की जगह जीरो डालोगे तो ये आपका हो जाएगा 3x plus 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बच्चों माइनस 2 बाई 3 कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट होंगे, इसीलिए हमारी अपर लिमिट क्या है, माइनस 2 बाई 3 है। तो इससे आपके पास क्या आएगा, इससे आपके पास ये a1 एरिया आपको मिल जाएगा। अब बात रही a2 एरिया को फाइंड करने के लिए, a2 एरिया भी इसी लाइन के अंदर है, और अब लाइन y एक्सिस से x एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो आपको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप y इज इक्वल टू 3x plus 2 को ही इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों माइनस 2 बाई 3 से इस पॉइंट से e पॉइंट तक, और e पॉइंट आपका क्या है 1, राइट। तो a2 एरिया जो आपका आएगा, a2 एरिया आपका होगा माइनस 2 बाई 3 से 1 तक इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, 3x plus 2 का इंटीग्रेशन होगा dx, राइट। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, बुक में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आई होप कि आप कर लेंगे। बुक में हो सकता है यहाँ पर मोड लगाओ, आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने माइनस लगा दिया, आप आंसर की चिंता मत कीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 3, एंड मिसलिनियस का एक और एग्जाम्पल है वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा एक बात पिछले वाले में बताना तो भूल ही गया, उसके बाद आपको नेट एरिया निकालने के लिए, टोटल एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 plus a2 को ऐड करना पड़ेगा। वैसे अगर मैं नहीं भी बताता तब भी आपको ये बात तो आई होप कि बता ही होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x। लो भी sin x का कर्व पहले आया था, अब cos x का आ गया, और इस बार तो मुझे बनाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही बना हुआ है। सो y is equal to cos x, x is equal to 0 एंड x is equal to 2 pi, इनसे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कर्व बहुत अच्छा बना के दिया एनसीईआरटी वालों ने, मैंने वही से इसको कट पेस्ट किया है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट की तरफ, ओहो क्या हो रहा है ये, थोड़ा सा ग्राफ हमारा वहां हाइड हो गया, इसको स्ट्राइक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो हो गया y = cos x का ग्राफ, बच्चों आप सभी जानते हैं y = cos x का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर 1, ये पॉइंट 1 है, 1 से स्टार्ट होता है, pi / 2 पे 0 होता है, फिर से 3 pi / 2 पे 0 होगा, और 2 pi पे कितना होगा 1। अब ये एरिया सिमेट्रिकल सा एरिया है, बट वो सिमेट्रिसिटी कहां पर है, जितना ये एरिया है, जितना ये एरिया है, यानी कि AOB की बात कर रहा हूं मैं, AOAB, OAB जितना एरिया है जो मैंने ग्रीन कलर से बाउंड किया है, सेम अगर दिस पॉइंट, अच्छा एक तो ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा बच्चों आपका पाई, तो सेम एरिया जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है वो एरिया भी सेम होगा। कलर्स की तो अपने पास अभी है नहीं कभी, तो ठीक है एक नए कलर से कर लेते हैं, तो वापस सेम हो गया, ग्रीन वाला ही हो गया, तो ठीक है पिंक वाला इसके साथ थोड़ा सूट नहीं करेगा, ब्लू वाला मैं चाह नहीं रहा था, तो क्या करें फिर डार्क ग्रीन ले लेते हैं, या चलो वो भी ब्लू ही हो जाएगा, कलर्स की कमी पड़ती नजर आ रही है बच्चों, चलो इस वाले से कर देते हैं, यानी कि इस पॉइंट को अगर कोई और नाम दे दिया, पी पॉइंट नाम दे दिया जाए, तो पीसीडी जो एरिया है वो एरिया, और एक एरिया हमारा और है, चलो फिर डार्क ग्रीन से कर देते हैं इसको, अभी डार्क ग्रीन से कर देते हैं ये लो। तो ये चार एरिया जो मैंने लोकेट किया बच्चों, चारों एरिया सिमेट्रिकल है कि नहीं है। सो किसी एक एरिया को फाइंड करके, चारों एरिया एक इक्वल है, एक एरिया को फाइंड करके उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ठीक है सबसे पहले हम
अपना जो ये वाला एरिया है इसको फाइंड कर लेते हैं और इसी को 4 टाइम कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इसको मैं ए वन एरिया कह रहा हूँ, इसको ए टू कह रहा हूँ, इसको ए थ्री कह रहा हूँ और इसको ए फोर कह रहा हूँ। तो नेट एरिया फाइंड करने के लिए हम ए वन को फाइंड करेंगे और उसको 4 टाइम कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। ठीक है बच्चों, आप भी अपना डायग्राम जो बनाए उसमें पेन से मार्क कर दीजिएगा कि दिस इज ए वन, दिस इज ए टू, दिस इज ए थ्री एंड ए फोर। एंड रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, ए वन एरिया, राइट, 4 टाइम। अब इस ये ए वन एरिया कैसे निकलेगा भाई, y इज इक्वल टू cos x, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू cos x, और ये कर्व कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। तो ए वन एरिया है वो हमारा इस कर्व के नीचे कहां पर है, कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक है। 0 यहां पर ओरिजिन पे और पाई यहां पर बी पॉइंट पे, पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। जो ए वन एरिया है हमारा वो 0 से कहां तक है, पाई बाय 2। cos x के कर्व के नीचे ये एरिया कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो हम इंटीग्रेट करेंगे cos x को, dx कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू 4, 4 पॉइंट से b पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन इज नॉट सो डिफिकल्ट, सो 4 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस नहीं होता, sin ऑफ x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगी 0 से, ये 4 क्यों लिख दिया मैंने, यहां तो क्या होना चाहिए, यहां तो होना चाहिए पाई बाय 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी 0 से पाई बाय 2, और 4 से ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, वो आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि इससे सिर्फ ए वन एरिया आएगा, बाकी के 3 एरिया और फाइंड करने के लिए हमने ए वन को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो इट इज 4 इंटू साइन का इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो चुका है, अब आपको सिर्फ लिमिट डालनी है। तो लिमिट आप डालेंगे तो ये हो गया आपका साइन पाई बाय 2 माइनस में साइन 0। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन पाई बाय 2 होता है आपका 1 माइनस में साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, सो ये आ गया आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो 0 से 2 पाई तक के बीच का हमें एरिया इसका फाइंड करना था, और आपने देखा होगा कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था साइन एक्स के लिए 0 से 2 पाई का एरिया फाइंड किया था, बिटवीन 0 टू 2 पाई, वो एरिया भी हमारा सेम था। ठीक है बच्चों, तो आपकी एक्सरसाइज मिसलिनियस और मिसलेस के एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।